बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछे थे कि सर ये बताओ, हम स्टेट के अंदर तो मतलब स्टेट लिस्ट के अंदर तो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सेंट्रल लिस्ट के अंदर हमें कोई रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता है, तो क्या हम सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना सकते हैं? तो मेरे भाई यहाँ पे जो अंग्रेजी भाषा में जो बात लिखी हुई है वो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आप एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर फ़ायदा ले रहे हो रिजर्वेशन का, चाहे आप एससी के अंडर में या एसटी के अंडर में या ओबीसी के अंडर में, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देखिए लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड सेंट्रल लिस्ट। हालांकि आपको थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये पीडीएफ ही ऐसी है, थोड़ी प्रिंट ही इसका ऐसा है, तो उसको आप थोड़ा कोऑपरेट करिए। देखिए यहां पे लिखा हुआ है सेंट्रल के लिस्ट में आ रहे हो या फिर स्टेट के लिस्ट में, दोनों में लिस्ट में किसी भी लिस्ट में फायदा ले रहे हो तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बना सकते। लेकिन अगर आपके कोई भी सुझाव है इससे रिलेटेड कि नहीं सर आप तो झूठ बोल रहे हो, सर हम तो बनाते हैं, सर ऐसा बन जाता है, सर भाई ऐसा कोई है तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप कमेंट को पिन भी करूंगा और आपके कमेंट पर थोड़ी रिसर्च करके भी लोगों को बता दूंगा। लेकिन फिलहाल जो ये मिला है इसके अकॉर्डिंग यही है कि आप नहीं बना सकते हैं। भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सभी समस्याओं का समाधान जरूर करूंगा, सबके कमेंट का रिप्लाई करता हूं, आपके कमेंट का भी रिप्लाई हो ही जाएगा। देखिए यहां तक वीडियो देखिए, भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहां तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रखना भाई नीचे कमेंट जरूर कर देना अगर कोई है ऐसा तो।